हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यह सॉलिड पोचूं। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। आज हम ये पोचू देखेंगे, है ना बिल्कुल प्यारा और सुंदर। तो आज हम इसे ही देखेंगे और अपने आने वाली विंटर्स के लिए, सर्दियों के लिए इसे तैयार करेंगे, जिसे देखकर सब दंग रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्लिप नोट बनाई है और अब हम चेन बनाना शुरू करें। तो यहाँ पर हम टोटल बनाएंगे 104 चेन, क्योंकि ये एक एडल्ट पोंचू है, तो हम करीब इतनी चेन बनाएंगे। देखिए, पहले ये मैंने 10 चेन बनाई हैं और उसके बाद इसे इस तरह से अटैच कर लिया है, ताकि हमारा एंड खोए नहीं और हम बहुत आसानी से इसे रिंग में कन्वर्ट कर लें। अब हम इसे, इसमें हम अपनी चेन बनाएंगे, जितनी हमें चेन बनानी है। यहाँ पे जैसे हम 104 चेन बनानी है, तो अब हम इन्हें आराम से बनाएंगे और सीधे एक ही बार में स्लिप नॉट में इसे कन्वर्ट करके इसे रिंग बना लेंगे और फिर आगे बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से बनाकर हमारा वर्क बहुत कन्वीनियंट और फास्ट होगा। तो ये मेरा पहला एडल्ट पोंचू है, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो अपना अपने पसंद का कलर, फेवरेट कलर आप अपना उठाइए और फिर शुरू हो जाइए मेरे साथ ये बनाना। अब विंटर से हमारे आगे विंटर्स आने वाले हैं, तो हम ऐसे चीज़ें बनाएंगे जो हमें वार्म रखें बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन चूज़ करा है। डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ईजी है और डबल फ्लो है। डबल फ्लो मतलब आप जो ये डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे, अगर आप ध्यान से, तो एक साइड में फ्लो कर रहा है डिज़ाइन और दूसरी साइड में फ्लो कर रहा है, जबकि आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा। प्लस ये टू पॉइंट पोंचो का मतलब है कि यहाँ पर हम दो पॉइंट बनाएंगे, एक पॉइंट हमारा आगे होगा, एक पॉइंट पीछे आएगा। ये पॉइंट किस लिए होती है, यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे अपनी जो चेन है, अपने जो फंदे हैं वो इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम ये सिर्फ दो पॉइंट बनाएंगे हम, जहाँ पर हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो ये पॉइंट पे हम अलग अलग तरह से भी पहन सकते हैं इसे, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है पहनकर। यहाँ पर अब हमारी लगभग चेन तैयार होने वाली है और हम अपनी चेन को देखिए किस तरह से अब अटैच करेंगे। ये देखिए 104 चेन हमने बना ली है, हम काउंट कर रहे थे लगातार और हमने ये चेन तैयार कर ली है। अब देखिए हम कितनी ईजिली इसे अटैच करेंगे। अब हमने ये देखिए ये स्लिप नॉट कर ली हमने, मतलब फंदे में से फंदा निकाल लिया है और ये हमारे पॉइंट्स ये देखिए रिंग में तैयार हो गए। अब ये रिंग तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें काउंट करके इन्हें बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, ये चेन कुछ भी काउंट नहीं होती है। अब हम इसे आगे यहाँ पर जो पहला ही वो था जहाँ पर हमने इन्हें ज्वाइन करा था, उसी होल में हम इसको क्रोशिया डालेंगे धागा आगे करके और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमने डाला और अब हम धागा इसे निकाल लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया, फिर उसी पॉइंट में एक और डबल क्रोशिया, यानी यहाँ पे टोटल हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये रहा हमारा थर्ड डबल क्रोशे, एक चेन, दो चेन, मतलब 2 चेन बनानी है और फिर 3 डबल क्रोशे हमें बनाना है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट तैयार हो गया। अब इसके बाद देखिए हमने जो क्रोशिया यूज़ किया है वो हमने 4 मिलीमीटर का क्रोशिया यूज़ किया है, या आप 8 नंबर का कह सकते हैं, 8 नंबर का क्रोशिया, और ये एक 2 पॉइंट पोंचो है। अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, अब हम इसे आगे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंट करेंगे चेन 1 2 3
और जो फोर्थ चेन है उसमें हम क्रोशिया डालेंगे। इससे पहले हमने चेन बनाई, अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 और हमने फोर्थ में ये क्रोशिया डाला। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 6 डबल क्रोशिया 1 चेन, फिर यहाँ पर हम वैसे काउंट करेंगे 1 2 3 और हम फोर्थ में क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर ये बनाएंगे, तो फोर्थ में क्रोशिया डाल के हम बनाएंगे। और जो हमने 104 चेन ली है ना, वो भी हमने 4 का डिविजिबल नंबर लिया है, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाने वाला नंबर, तो यहाँ पर हमने इसलिए 104 चेन्स ली। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम फिर एक चेन बनाएंगे और 3 चेन स्किप करेंगे, 3 चेन स्किप करेंगे, देखिए 1 2 3। अब हम फोर्थ में हम इसे क्रोशिया को डालेंगे। इस तरह से हम इसे पूरा पॉइंट बनाएंगे, और कहाँ तक बनाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आगे वाला फ्रंट पॉइंट होगा वो हमारा, वहाँ तक हमें इसी तरह से बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, स्किप 3 चेन, फोर्थ में हमें फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से ये हमारा बेस तैयार हो रहा है, ये बेस बनेगा और फिर इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल ये सिंपल वाला पोचो है, इसमें हम डिज़ाइन अभी बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको शुरुआत करेंगे अपनी, ये बेस हम बना रहे हैं, डिज़ाइन अभी इसके ऊपर हम डालेंगे। ये बिल्कुल फर्स्ट ही राउंड है हमारा, इस तरह से बनेंगे और हम इसे करते करते यहाँ तक, ये हमारा जो पॉइंट है हम यहाँ तक ले आएंगे। तो यहाँ तक आने में हमारे 12 ये गैदर्स बनेंगे, यानी 12 एल क्लस्टर बनेंगे हमारे 3 डबल क्रोशिया के। उसके बाद ये आ गया नेक्स्ट हमारा, वही 3 स्किप करके जो फोर्थ वाले चेन है उसमें हम अब यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हम बनाएंगे। और फिर इसके आगे फिर वैसे काउंट करेंगे हम, 1 चेन बनाएंगे और 3 चेन स्किप करेंगे हम, फोर्थ में हम डबल क्रोशे बनाएंगे 3। तो इस तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। बिल्कुल इसी तरह से सारा बनाते बनाते हम अब कॉर्नर पे आ जाएंगे। ये इसी तरह से हमें बनाने हैं। देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा तैयार, और ये हम आगे तक बनाएंगे। और इसको बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने दूसरी साइड करा था, बिल्कुल हम उसी तरह से बनाकर हम इसे यहाँ तक बनाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये मैंने बना लिया है, अब मैं इसे ज्वाइन करूँगी स्लिप स्टिच से, और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके हम फिर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा पहला राउंड होगा कंप्लीट, स्लिप स्टिच कर लिया, ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट राउंड भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, और जो ये हमारे पॉइंट्स है ना, यहाँ पर हमें हर बार बिल्कुल इसी तरह से 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे ही बनाने हैं। हर बार हम इसी तरह से बनाएंगे। 1 चेन लिया, अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे।
जब भी ये पॉइंट आएंगे हमारे, हमें इसी तरह से 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे ही बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने ये कितने करे हैं, 2 राउंड्स करने हैं हमें। ये हो गया, अब हमारा 1 चेन बनाकर अब हम नेक्स्ट होल जो चेन स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर चेन बनाई, फिर नेक्स्ट होल स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे और इस तरह से हम आगे डबल क्रोशे के क्लस्टर बनाते चले जाएंगे जब तक कि हमारा पॉइंट नहीं आ जाता और पूरा राउंड कंप्लीट नहीं होता। ये राउंड हम यहाँ तक बनाएंगे। देखिए अब ये कुछ ऐसी शेप लेता आ रहा है, पॉन्चो का शेप ये कुछ इस तरह का ले रहे हैं। और ये हम एक राउंड हुआ है हमारा कंप्लीट, हम यहाँ पर एक राउंड और बनाएंगे, तो यानी कि टोटल हम 2 राउंड बनाएंगे इस तरह से। टोटल 2 राउंड बनने के बाद ही हम फिर इसमें डिजाइन बनाएंगे। ये रहा एक राउंड, एक राउंड और करेंगे तो टोटल हमारे हो जाएंगे 2 राउंड। देखिए ये 2 राउंड में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके कंप्लीट कर लिया। अब इसे सेंटर में ले आएंगे, यानी कि बीच में ले आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स। ये सेंटर में आ गया, ये चेन बनाकर 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए ये एक चेन हमने बना ली, अब हमारा डिजाइन यहाँ पे डलेगा। तो डिजाइन डालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशे करेंगे हम यहाँ। तो ट्रिपल क्रोशे के लिए हम 2 टाइम्स धागे को आगे करेंगे, फिर हम ये धागा इस तरह से डालकर 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 3 टाइम्स करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर धागे को 2 बार लेंगे और फिर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ मैंने गलती से डबल क्रोशे बनाया है, लेकिन आपको ट्रिपल क्रोशे ही बनाना है। इसके बाद जो ये होल स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। कोई चेन नहीं बनानी है हमें, हम सिर्फ 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब फिर देखिए ये पहले वाले गैदर आ गए हैं, क्लस्टर आ गए हैं। यहाँ पर फिर हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 1 चेन फिर ट्रिपल क्रोशे, 2 टाइम्स हम धागे को आगे करके और इसको बनाएंगे। देखिए इस तरह आपको फंदा कौन सा लेना है, मतलब कौन से वाले क्लस्टर पे स्टैंड पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाना है, ये आपको ध्यान से देखना है कौन सा वाले में हमने लिया है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो आखिरी वाला क्लस्टर लेते हैं, और जब अब ये क्लस्टर वाला डिज़ाइन एंड होना होता है तो हम आखिरी वाला क्लस्टर लेते हैं या फर्स्ट वाला क्लस्टर लेते हैं। उसके बाद हम 3 डबल क्रोशे बनाते हैं। एक बार और देखिए, 2 बार धागा आगे करा, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाना है, ट्रिपल क्रोशे, ये देखिए ये बना। इसमें लिया था हमने लास्ट वाले डबल क्रोशे में, एक चेन बनाई, अब जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे था उसके अंदर हम ये ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से ये क्रॉस बन रहा है, यहाँ पर डिज़ाइन में क्रॉस बन रहा है। और ये क्रॉस पैटर्न जो बन रहा है हमारा, ये देखिएगा जब बनेगा पूरा बन के निकलेगा तो इसका इम्पैक्ट कितना प्यारा और कितना सुंदर लगेगा। उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशे ये डबल क्रोशे ये आपके डिज़ाइन नेक्स्ट टर्न पे डिज़ाइन बनाने में काम आएंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। अब आपको मेरा ख्याल है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है डिज़ाइन।
कि ये किस तरह से बन रहा है, तो हम इसको इसी तरह से आगे तक बनाते चले जाएंगे। अब हमें वो जो सिंपल हमने जो शुरू में बेस के दो राउंड करे थे, अब वो हमें नहीं करने हैं। अब हम ये बस डिज़ाइन के ही राउंड्स बनाएंगे जितने की हमें टोटल लेंथ की ज़रूरत होगी, और ये हर बार इंक्रीज होते रहेंगे। तो यहाँ पर हर बार फोर्थ क्लस्टर इंक्रीज होंगे, 3 डबल क्रोशे के 4 क्लस्टर इंक्रीज होंगे हर बार। तो इस तरह से ये लेयर फैलता चला जाएगा और इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। ये डबल क्रोश, ये हम फोटो का डिज़ाइन इस तरह से डालेंगे। मैं अभी भी आपको दिखाना चाह रही हूँ ताकि ये मिस्टेक ना हो किसी भी तरह, और मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो तो आप ये देखकर समझ जाएं, देखकर आपको अंदाज हो जाए कि मैंने ये किस तरह से बनाया है, किस तरह से मैंने इसे एक फंदे लिए हैं। इस बार मैंने सॉलिड कलर का यूज़ किया है पोचो बनाने में, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कलर, ये डिज़ाइन, ये पैटर्न पसंद आएगा। तो चलिए इस तरह से हम ये पोचो बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन बनकर कैसा लग रहा है। शुरू में ये डिज़ाइन अब कैसा लग रहा है देखिए। ये देखिए मेरा एक राउंड, या आप कह सकते हैं थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड कंप्लीट होकर ये कैसे लग रहा है। अब हम इसे आगे बनाना शुरू करेंगे। वन चेन फिर 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। अब देखिए ये सबसे पहला ही, ये जो 3 क्लस्टर है हम इसे ही बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले ये ही आया है, तो यानी कि ये ही हमारा इंक्रीज वाला क्लस्टर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर राउंड में 4 क्लस्टर इंक्रीज हो रहे हैं, और इस तरह से हमारे ये फंदे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये जो चेन स्पेस थी इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 3 क्रोशे के ऊपर हम अब यहाँ पर क्लस्टर बनाएंगे। पहले हमने स्पेस में बनाया था ना, अब ये स्पेस नहीं है तो कहाँ पर बनाएंगे हम, जो 2 ट्रेबल क्रोशे के बीच में हमने जो चेन बनाई थी वहाँ पर हम ये 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे। तो हमारा जो 4th राउंड है वो इस तरह का होगा। अब यहाँ पर चेन स्पेस नहीं है, क्या है, 3 1 ट्रेबल 1 चेन 1 ट्रेबल के बीच में हम नेक्स्ट राउंड पर उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये ट्रेबल के बीच में ये जो चेन स्पेस है इसके अंदर अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे, और 3 डबल क्रोशे का हम क्लस्टर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर ये ट्रेबल बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट ट्रेबल, 1 चेन, फ्रंट पोस्ट ट्रेबल, इस तरह ये देखिए, इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट ट्रेबल। अब हमें 3 चेन का क्लस्टर बनाना है। देखिए ये ट्रेबल के बीच में हम 3 डबल क्रोशे
मनाएंगे। नेक्स्ट फिर ट्रेबल है, फिर ट्रेबल क्रोशे, वन चेन ट्रेबल, वन मोर ट्रेबल, इस तरह से ये हमारा फोर्थ राउंड। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड, जो हमारा फोर्थ राउंड है वो ही रिपीट राउंड है। अब हमारे हर एक राउंड क्या होगा, हमारा फोर्थ राउंड का रिपीट होगा। जो हमने 1, 2, 3 राउंड करे हैं उन, वो तो हमारे बेस राउंड हो गए। अब जो हमारा आगे होगा वो सिर्फ फोर्थ राउंड रिपीट होगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये डिज़ाइन आ जाएगा। लग रहा है ना सुंदर? पहले बिल्कुल सिंपल बेस था, अब उस पर हमने सुंदर सा डिज़ाइन डाल लिया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ रखकर, ये कैसा लगता है, लग रहा है ना प्यारा? तो ये है हमारा फोर्थ राउंड, और ये राउंड का ही रिपीट हमारा बाकी का पोर्शन है। देखिए ये पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, और लग रहा है ना प्यारा, और बिल्कुल डिफरेंट जैसा हमने सोचा था उससे काफ़ी डिफरेंट। देखिए इसकी एक साइड की लहर एक साइड जा रही है और दूसरी साइड की लहरें दूसरी तरफ, ये कुछ इस तरह की लहर दिखा रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये मैं दिखा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर मैंने 2 राउंड को कंप्लीट कर लिए हैं ये प्लेन, यानी कि हर एक प्लेन पर एक डबल क्रोशेट करा है मैंने, और जो बीच में पॉइंट्स हैं वहाँ पर तो हमारे चेन इंक्रीज हो ही रहा है, यानी तो ये डी सी ये हमें 3 राउंड कम्प्लीट कर रहे हैं। यहाँ मैंने 2 राउंड कम्प्लीट कर लिए, अब मैंने 3rd राउंड कम्प्लीट कर रही हूँ, या मैं 3rd राउंड कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 3 राउंड, क्योंकि इसका डिजाइन कुछ इस तरह का है कि ये फोल्ड हो रहा है, जब आप मतलब बनेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा फोल्ड हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लेन के 3 राउंड करेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाए, ये फोल्ड होना अंदर की तरफ फोल्ड होना बंद हो जाए। यहाँ पर हम इसे 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद हम अब इसके नेक पर आ जाते हैं। अब हमें ये नेक करना है कंप्लीट। देखिए ये नेक बिल्कुल नीट नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे के 2 राउंड करेंगे नेक में, ताकि ये जो चेन चेन दिख रही है ना, ये आपको रफ सी या इनकम्प्लीट सी चेन दिख रही है, ये बिल्कुल सही हो जाए, ये बिल्कुल सुंदर लग रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर हर एक चेन में जो हमने चेन बनाई है, स्टार्टिंग चेन हमारी 104 चेन थी, तो ये स्टार्टिंग चेन वैसे ही सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। एक सिंगल क्रोशे और अब इसके हम 2 राउंड, 2 राउंड करने के बाद इसमें जैसे का सफाई आ जाएगी, तो ये अभी इनकम्प्लीट सा और रफ सा लग रहा है, ये अब बिल्कुल रफ या इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है, सुंदर और प्यारा ये प्रश्न दिखेंगे। इस तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसके टोटल हम 2 राउंड कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट राउंड है और 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लगेगा। देखिए मैंने पहन के दिखा रखा है, कैसे लग रहा है ये, देखिए कितना प्यारा और परफेक्ट गला आया है इसका, नेक भी बहुत परफेक्ट आया है। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ,
तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।